है, सही जवाब मिलेगा आपको। यदि सरहुल उराव नामक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है तो सोरहाय भी संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार पूस मास में धान की फसल कट चुकने पर मनाया जाता है। धान की जब नई फसल कटती है तो उसकी खुशहाली में गांव के जो सरल लोग हैं अपने देवी देवताओं को उसका अर्पण करना चाहते हैं। देवी देवताओं, पितरों तथा गोधन का पूजा अर्चन बहुत ही भक्तिभाव के साथ किया जाता है। आदिवासियों के सभी पर्व सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं, और लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस पर्व का आयोजन करते हैं। यह पर्व लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। और जैसे कि जानते हैं कि सोरहाय पर्व जो है सभी संथालों में एक तिथि निर्धारित नहीं होती है, ये अपनी सुविधा के अनुसार इस पर्व का आयोजन करते हैं। अब प्रथम दिन जो होता है वो संयम का दिन होता है। इस दिन लोग अच्छी तरह से स्नान करने के बाद बड़े बूढ़ों नायकी पुजारी के साथ गोड़ बथान पर जमा होते हैं, जहाँ गोधन का आह्वान किया जाता है, जहाँ गोधन का आह्वान किया जाता है। और गोरिया बोंगा ये लोग के पूज्य देवता है, इनकी स्तुति और प्रार्थना की जाती है और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। और उनसे यह निवेदन किया जाता है कि लो हमारी सेवा स्वीकार करो, हम तुम्हारा प्रसाद पाएंगे, हमें सिर दर्द, पेट दर्द और किसी प्रकार का कलर ना हो। दूसरे दिन जो होता है गोहाल पूजा। गोहाल अर्थात गोओं के घरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाता है और उसे पत्तियों, फूलों और रंगों से सजाया जाता है। फिर हड़िया का प्रचलन है आदिवासी समाज में और हड़िया भी ढलती है। और तीसरे दिन जो होता है वो सुटांग होता है। सुटांग में गांव के जो लोग हैं अपने अपने बैलों और अपने अपने भैंसों को लोग अच्छी तरह से स्नान करवाने के बाद उसकी बांधान की बालाओं और फूलों से उसको सजाते हैं। और गांव के जो लोग हैं घंटों उसको दौड़ा दौड़ा के गाजे बाजे के साथ उसको नाचते और कूदते हैं। और जैसे कि गोहाल पूजा में एक चीज है कि उसमें जो है गांव गौ के चरण को पखारे जाते हैं, उनके सींगों पर तेल भी चुपड़े जाते हैं और उन पर सिंदूर भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार चौथा दिन जो होता है वो जाली होता है, जिसको जाली बोलते हैं। तो गांव के जो युवक और युवतियां हैं, जो समुदाय है, दूसरे के घरों में जा करके अच्छी तरह से नाच गान करके वहां से चावल, दाल, सब्जी, मसाला इत्यादि एकत्र करते हैं और उस दिन से गांव के जो युवक युवतियां हैं उस दिन से उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इस प्रकार से जोग मांझी का उत्तरदायित्व उस दिन से समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोरहाय पर्व मौज मस्ती, जवानी और जश्न का त्यौहार है। बिल्कुल सही जवाब, और इसका जवाब से आपको मिल रहा है हमारे साथ एक डिजिटल आवाज। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Let your little ones enter the world of effective learning. Learning without burden, learning that's secure, learning beyond the traditional norms, around the best environment, in the best infrastructure. Sant Javier's School, Jirulia, Nichitpur, Dumka. Our mobile number is 8789896854. Admission open.